एक कहानी है 1938 की, कैरोली नाम के आदमी की, हंगेरियन पिस्टल शूटर। वो उस जमाने का दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बैठ चुका था, जितने भी चैंपियनशिप हंगरी में हुई थी वो सब जीत चुका था। उसने इतने सालों की मेहनत से अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बना लिया था। 1938 में आर्मी का एक कैंप चल रहा था, वो आर्मी में सार्जेंट था, उसके हाथ के अंदर बम फट गया तो जो राइट हैंड था वो उसका उड़ गया। अब उसकी पूरी दुनिया एक तरह से खत्म हो गई। उसके पास अब दो ही चारे थे, या तो वो घर पे बैठ जाता या वापस फोकस करता कि मुझे वो कैसे भी करके वर्ल्ड कप जीतना है। अब उसके पास जो नहीं था, अब था उसके पास लेफ्ट हैंड, जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। एक महीना वो हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद वो घर पे आया और उसने एक ही काम किया, लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस चालू की। पूरा साल लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करता रहा। 1939 की चैंपियनशिप आई, वो वहां पे पहुंचा। वहां पहुंचते ही जितने भी लोग थे उन्होंने उनको बोला, वेलकम किया कि अरे आप हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप हमारा हौसला बढ़ाने आए हो, बहुत बढ़िया बात है। उसने बोला, बॉस मैं आप लोगों का हौसला बढ़ाने आया हूँ, मैं आपसे कम्पीट करने आया हूँ। किसी को मालूम नहीं था कि वो एक साल से लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहा है। 1939 की हंगरी की चैंपियनशिप वो कैरोली ने जीती लेफ्ट हैंड से। बाकी सब अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे और कैरोली कम्पीट कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से। पूरी हंगरी में तहलका मच गया कि कोई आदमी ऐसा भी है जो लेफ्ट हैंड से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की कोशिश कर रहा है। अपना पूरा फोकस डाल दिया 1940 के वर्ल्ड कप पर। 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो सीधा ओलंपिक्स गेम्स सब कैंसिल हो गए। 1944 पूरा का पूरा फोकस उसने डाल दिया 1944 पे, और इत्तेफाक से 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। पर ये आदमी अपना हुनर और अपनी जुझारूपन नहीं भूला, उसने पूरा फोकस डाल दिया 1948 पे। 1938 में इसकी एज थी 28 और 1948 में इसकी एज हो गई थी 38। सब यंग लोग आ गए थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और 1948 में जब ये गया तब जितने भी शूटर्स आए थे दुनिया के, वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये लड़ाई लड़ रहा अपने सिंगल हैंड से, लेफ्ट हैंड से। और 1948 का ओलंपिक्स भी कैरोली ने जीता। और ये इतना बड़ा तहल पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि कोई व्यक्ति 38 पिस्टल शूटिंग जीत सकता है। वो वहीं नहीं रुका, 1952 का ओलंपिक आया और उसमें भी यही व्यक्ति गया और ये जीत गया और पूरा हिस्ट्री, ओलंपिक की हिस्ट्री पलट के रख दिया। ये ऐसा पहला व्यक्ति था ओलंपिक हिस्ट्री में जिसने एक ही एथलेटिक्स में दो बार गोल्डन जीता, ओलंपिक्स जीता। और ये व्यक्ति ने यह साबित कर दिया कि आदमी की साहस और इच्छा शक्ति के आगे दुनिया कुछ नहीं है। तो ये केरले की जो कहानी है ना, आज भी हॉल ऑफ ओलंपिक्स में आपको दिखाई जाती है। इससे बड़ा हीरो उस जमाने में कोई नहीं था।